पीओके का मतलब है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तुमने ऑक्यूपाई किया है, मालिक हम है। दोस्तों, इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द बेस्ट एरियल एक्शन फिल्म फाइटर इंडियन बॉक्स ऑफिस पर आज अपना 11वां दिन पूरा कर रही है और दोस्तों अपने 11वें दिन के साथ ही इस फिल्म के सेकंड वीकेंड भी खत्म होने जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों अपने सेकंड वीकेंड में इस फिल्म को जिस तरह की हिस्टोरिकल ग्रोथ इंडियन बॉक्स ऑफिस पर मिली है वो ये साबित कर देती है दोस्तों कि फाइटर इंडिया के साथ साथ दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर इस साल की एक हिट फिल्म साबित होगी और हेटर्स की बोलती भी बंद कर देगी। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइटर के आज 11 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में। जानने वाले हैं दोस्तों कि दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म अभी तक कितने करोड़ की कमाई कर चुकी है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा अगर आप भी इस फिल्म का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं, बॉक्स ऑफिस, बॉलीवुड और साउथ से जुड़ी सभी बड़ी अपडेट्स चाहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में बनने वाली फाइटर एक एरियल एक्शन फिल्म है जो कि इंडियन एयरफोर्स के जवानों पर बनाई गई है। इस फिल्म के लीड में आपको बॉलीवुड के हैंडसम हंग और बेहतरीन एक्टर ऋतिक रोशन, ब्यूटीफुल दीपिका पादुकोण, अनिल कपूर सर और कई सारे बेहतरीन एक्टर्स नजर आने वाले हैं। 200 करोड़ रुपए के भारी भरकम बजट के साथ बनाई गई इस फिल्म का फर्स्ट हाफ तो काफी एंगेजिंग है ही, साथ ही साथ दोस्तों इस फिल्म का सेकेंड हाफ एक्शन से और विजुअल से भरा हुआ है। ऋतिक और दीपिका की केमिस्ट्री फिल्म में काफी लाजवाब है। यही वजह है दोस्तों कि इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से अच्छे रिव्यूज मिलते हुए नजर आए। क्रिटिक्स ने भी इस फिल्म को अच्छी रेटिंग्स दी। इस फिल्म को 42 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था, जहां पर इस फिल्म ने अपने पहले दिन 24 करोड़ रुपए के आंकड़े को इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर पार किया और लगभग 37 करोड़ रुपए दुनिया भर से कमाए। तो वहीं दोस्तों, ऑडियंस की तरफ से मिलने वाले शानदार रिव्यूज के बाद इस फिल्म ने सिर्फ 4 ही दिनों में 100 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार करके ऋतिक रोशन के करियर की 7वीं 100 करोड़ फिल्म बन चुकी थी। बताते चले दोस्तों आपको कि सिद्धार्थ आनंद इससे पहले बैंग बैंग, वार और पठान जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दे चुके हैं और ऋतिक के साथ दोस्तों ये उनकी तीसरी फिल्म है। इस तीसरी फिल्म के साथ ही दोस्तों उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो जब भी ऋतिक के साथ आते हैं बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म देते हैं। इस बार दोस्तों उनकी इस फिल्म ने 4 दिनों में 123 करोड़ रुपए इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर कमाए और 206 करोड़ रुपए दुनिया भर से कमाए। तो वहीं दोस्तों विगडेस में भी इस फिल्म का जो बॉक्स ऑफिस पर होल्ड था वो इस फिल्म को 150 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच कराने में कामयाब रहा। अपने फर्स्ट वीक में 8 दिनों में इस फिल्म ने 151 करोड़ रुपए इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर कमाए। 9वें दिन यानी कि दोस्तों इस वीकेंड की शुरुआत इस फिल्म ने 5 करोड़ 75 लाख के साथ की। कल अपने 10वें दिन इस फिल्म के कलेक्शंस में 100% की ग्रोथ देखी गई और दोस्तों इस फिल्म ने कमाए हैं 10 करोड़ 60 लाख रुपए। इन 10 करोड़ 60 लाख के साथ ही इस फिल्म का जो टोटल कलेक्शन है वो 167 करोड़ रुपए के आंकड़े को इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर पार कर चुका है, जबकि दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म 278 करोड़ रुपए की कमाई अपने शुरुआती 10 दिनों में कर चुकी थी। लेकिन अगर बात की जाए इस फिल्म के आज यानी कि अपने 11वें दिन के कलेक्शंस की, तो दोस्तों बताते चले आपको कि ऋतिक रोशन की इस फिल्म को सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर पसंद किया जा रहा है। ओवरसीज यानी कि दोस्तों अमेरिकन बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने 50 करोड़ रुपए के आंकड़े को आसानी से टच कर दिया है और आने वाले दिनों में दोस्तों ये फिल्म आसानी से 70 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई सिर्फ अमेरिकन बॉक्स ऑफिस पर करती हुई नजर आ रही है। गल्फ कंट्रीज में तो दोस्तों इस फिल्म को बैन कर दिया गया, नहीं तो ये फिल्म गल्फ कंट्रीज से भी काफी अच्छी कमाई करती और शाहरुख खान की फिल्म डंकी से बेटर कमाई दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर कर लेती। आज के कलेक्शंस दोस्तों इस फिल्म के इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा ट्रेंड करते हुए नजर आ रहे हैं और दोस्तों ये फिल्म आज लगभग 13.5 करोड़ रुपए के आंकड़े को आसानी से टच करने वाली है। ऐसे में इस फिल्म का दूसरे वीकेंड का जो कलेक्शन है वो भी 30 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच कर रहा है और दोस्तों ये फिल्म इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर आज लगभग 180 करोड़ रुपए की कमाई आसानी से कर चुकी होगी। इन 180 करोड़ के साथ ही हेटर्स की बोलती भी बंद हो जाएगी जो कि इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप बता रहे थे। तो वहीं दोस्तों दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म आज 300 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर रही है और 2024 में इंडियन सिनेमा की पहली 300 करोड़ फिल्म बन रही है। आपको दोस्तों क्या लगता है, जिस स्पीड से इस फिल्म ने अपने सेकंड वीकेंड में कमाई की है, क्या ये फिल्म इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर हिंदी में 250 करोड़ और दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 400 करोड़ की कमाई कर पाएगी या नहीं, हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और दोस्तों इस फिल्म से जुड़ी सभी बड़ी अपडेट्स के लिए आपके अपने चैनल रिव्यू बाजार को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।